वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हे गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मैम कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। सीएसआईआर यूजीसी नेट 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ परसेंटेज रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी। जैसा रिजल्ट आया था, जो जो कॉलम थे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड आई होप सो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। एक बार फटाफट से हम कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट द बेटर आइडिया कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं करंटली फॉलो अप हो रही हैं एंड आगे आने वाले समय में हो सकती हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये कट ऑफ अवेलेबल है। दिस इज मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप यानी कि JRF एंड लेक्चरशिप। सारे डिसिप्लिन्स केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस से रेलिवेंट जो है कट ऑफ आ चुकी है। मेनली हमें लाइफ साइंस का देखना है, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ 52.5। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिखा रखा है, मीन्स अराउंड अगर हम कैलकुलेट करें मार्क्स का अंदाज़ा लें तो इट्स लाइक 105 के अराउंड जो है मार्क्स हो गए, है ना, 105 मार्क्स हो गए लगभग अप्रॉक्सीमेटली। उतने पर जो है JRF मिला है, जो कि अगर हम लास्ट से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बिकॉज पिछले कुछ समय का अगर हम देखें तो 120, 115, 118 इस तरीके से जो है कट ऑफ जा रही थी, बट इस बार जो है डिक्रीज हुआ है। एंड ये क्वेश्चन के पैटर्न पर वेरी करता है, थोड़ा सा सेक्शन बी जो था इस बार थोड़ा सा एवरेज टाइप था, तो उसके बेसिस पर भी जो है ये कट ऑफ आई है। अगर हम LS का देखें तो दैट इज़ अगेन 95-94 के अराउंड जो है लेक्चरशिप, जिन बच्चों ने इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं दे आर गेटिंग द वन। ठीक इसी तरीके से आप दूसरे कैटेगरीज को भी देख सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही कम JRF की कट ऑफ है। फिर OBC के लिए और भी कम है, दैट इज़ मतलब अगर आप अनरिजर्व से कंपेयर करते हैं 43.75। फॉर SC कैटेगरी इट इज़ 35% एंड SC 31 एंड PWD के लिए इट्स 25% ओनली। ठीक इसी तरीके से लेक्चरशिप का भी आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी लेस। सो गाइस, ये इस बार की कट ऑफ है। एंड रियली जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है बट स्टिल कट ऑफ वेरी की है, तो वी कैन सी दैट हम ऐसा मान सकते हैं कि वेरिएशंस रह रहे हो सकते हैं आने वाली कट ऑफ में भी। एंड अगेन अब तो मोड भी चेंज हो रहा है, एंड दिसंबर में इट इज़ गोइंग टू बी CBT मोड। तो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जो है अंदाज़ा लगेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है ABC के लिए, क्यूमुलेटिव है। अगेन आप यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं कि जो रैंक अलॉट हुई हैं वो JRF के लिए वो CSIR एंड UGC में मतलब कि फेलोशिप के बेसिस पर जो है रेशो कर दिया गया है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है एंड दैट इज़ द केस। सो आप देख सकते हैं एंड एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या जो है कट ऑफ का सिनारियो फॉलो हो रहा है एंड क्या आगे हो सकता है। आई होप बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी क्लियर किया है। एंड आगे भी दिसंबर में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, आई विश वेरी गुड लक टू यू गाइस। सबके लिए मेरी तरफ से, मेरे कोर ऑफ हर्ट से, दिल से जो है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोग भी आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से जो है अच्छी रैंक लेकर आ पाएँ। एंड डेफिनेटली उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ बाय पोस्टिंग माई वीडियोज़। सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एज वेल। गाइस थैंक यू सो मच एंड स्टे पॉजिटिव, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, दैट इज़ द केस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।